नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मुंबई के पूर्व खिलाड़ी और महान क्रिकेटर वीनू मांकड़ के बेटे राहुल मांकड़ का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह 67 साल के थे। राहुल मांकड़ के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां हैं। मुंबई के पूर्व खिलाड़ी शिशिर हंतगड़ी की फेसबुक पोस्ट से राहुल मांकड़ के निधन की खबर की पुष्टि हुई, जिन्होंने लिखा, जिग्गा भाई मेरे दोस्त राहुल मांकड़ की आत्मा को भगवान शांति दे। वीनू मांकड़ के बेटे राहुल मांकड़ ने लंदन की अंतिम सांस ली। वीनू मांकड़ के बेटे राहुल मांकड़ ने लंदन में अंतिम सांस ली। दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ की धीमी गति के गेंदबाज राहुल मांकड़ ने 47 प्रथम श्रेणी मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 और 111 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 162 रन का था। उनके नाम 5 शतक और 12 अर्धशतक है। उनके भाई अशोक और अतुल भी क्रिकेटर ही थे। अशोक ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि अतुल घरेलू क्रिकेट खेले थे। राहुल मांकड़ 1972, 1973 से 1984-1985 तक खेले थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर टी ए शेखर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, राहुल मांकड़ ने निधन की खबर सुनकर स्तंभ हो। सही मायने में सज्जन व्यक्ति, अच्छे क्रिकेटर और एक महान इंसान, उनके परिवार को मेरी हार्दिक संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको बता दें कि वीनू मांकड़ के नाम पर ही क्रिकेट के मांकड़ की शुरुआत हुई थी। इस पर काफी विवाद रहा, क्योंकि बॉलर जब बॉल फेंकने से पहले ही क्रीज से बाहर निकले बल्लेबाज को रन आउट कर देता है, तब उसे खेल भावना से विपरीत माना गया। राहुल मांकड़ ने लंबे वक्त से इस मसले पर लड़ाई लड़ी और इसको मांकड़ बुलाए जाने का विरोध किया था। हालांकि अब ICC ने इसे लीगल किया है और खेल भावना से विपरीत नहीं माना है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।